स्वागत है आपका अभी क्लासेस डाउट्स में। और आपका प्रश्न है कि चिकल क्या है या किससे बनता है। तो सबसे पहले चिकल लिख लेते हैं, च्विंगम। च्विंगम को चूसने के बाद यानी कि च्विंगम जब हम चबा लेते हैं तो चबाने के बाद कुछ शेष बचता है, तो बचा हुआ चीज को हम क्या करते हैं, थूक देते हैं, निकाल देते हैं। बचे हुए भाग को चिकल कहते हैं। तो बस आपको चिकल समझ में आ गया क्या होता है। च्विंगम आप जरूर खाए होंगे, तो च्विंगम के बचे हुए शेष को क्या कहते हैं, चिकल कहते हैं। अब यहाँ पर दूसरा प्रश्न लिख दिया गया कि यह किससे बनता है। तो कई बार बच्चों के मन में ये डाउट रहता है कि च्विंगम आखिरकार बनता कैसे है। तो यहाँ पर उसका साफ साफ आंसर लिखा है, जेपोटा वृक्ष के दूध से बनता है। तो एक प्रकार का वृक्ष होता है जेपोटा वृक्ष, और उसी वृक्ष के दूध से क्या बनता है, चिकल बनता है। ठीक है, और यही चिकल हम लोग क्या करते हैं, खाते हैं, च्विंगम के रूप में इसका स्वाद लेते हैं। तो कुल मिलाकर के क्या पता चला, पता यह चला कि जो च्विंगम है वो वृक्ष से प्राप्त होता है, किसी भी प्रकार के पशु या जानवर के चमड़े से प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, लेकिन फिर भी च्विंगम जो है एक ऐसा पदार्थ है जो हमारे आहार नाल में जाने के बाद कहीं अटक सकता है, और इसी वजह से बच्चों को च्विंगम खाने से मना किया जाता है। तो ये था आपके सवाल का जवाब। ऐसे और प्रश्नों के जवाब के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।